आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि छठ घाट किस तरह से हम लोग बनाए हैं और हरिया वार्ड नंबर 9 में किस तरह से हम लोग मनाए हैं छठ घाट और क्या क्या मनाएंगे आप लोगों को बताते हैं और दिखाते हैं। आइए दिखाते हैं हम लोग को छठ घाट किस तरह से हम लोग बनाए हैं। देखिए हम लोग जो है घाट में बनाए थे इस टाइप से बनाए और चिन्ह दिखाते इस टाइप से रहेगा मेरा हम लोग को घाट इस तरह से और पूरे दिखाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना बिहारी में बिहार यूपी झारखंड के जितने भी लोग हैं माता बहनों होता है वह सारे के सारे छठ घाट मनाते हैं और छठ घाट मनाते हैं इस तरह से कि हमारे यहाँ इसलिए मनाया जाता है ताकि उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो ये सबसे महापर्व है छठ पूजा की। बहुत सारे बहुत क्या कहते हैं मेरे कहने का मतलब ये है कि छठ पूजा जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। दशहरा दीपावली की से भी कई गुना हम लोग मनाते हैं छठ को। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं हम लोग घाट किस तरह से बना हुआ है और सजाया हुआ है। आइए हम लोग दिखाते हैं हम लोग किस तरह से हम लोग बनाए। जो बनाए घाट घाट बनाए तो बताइए कमेंट बताइएगा किस तरह से बना हुआ घाट है, मतलब शुभ जो लिखा हुआ है किस तरह से लिखा हुआ है और साथ साथ छठ किस तरह से लिखा हुआ है कमेंट बताइएगा और साथ साथ और पूजा जो लिखा हुआ है किस तरह से लिखा हुआ है कमेंट बताइएगा किस तरह से बना हुआ है। वाले हैं हम लोगों को। देखिए ये है हो गया आप लोगों को छिट्टा हो गया जो कि छठ में चढ़ाया जाता है और ये दी हो गया क्या कहते हैं नारियल हो गया केला हो गया। इस तरह से हम लोग जो है ना छठ पूजा में बहुत सारे सामग्री के साथ हम लोग जो है मनाते हैं, मतलब ढेर सारे चीज रहता है कहने का उतना तो पता नहीं हम लोग को भी उतना पता नहीं रहा कि यह सब किस तक कौन कौन चीज है। तो माशा की छठ पूजा की आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और आप लोगों को कुछ कुछ दिखाएंगे पूरे घाट के और दिखाएंगे। ये हमारे माता जी हैं माँ है और ये हमारे आंटी हैं, ये हमारी आंटी है दादी माँ है, ये भी दादी माँ है। दिखाएं आप लोगों को ये दादी माँ सब लोग है जो यहाँ छठ पूजा के घाट पे बैठी हुई है। तो ये और दिखाते हैं आप लोगों को जो हमारे आंटी है, ये हमारी आंटी हो गई जो आप